या देखा ना आती है इशू चीज़ दूर उठते जबकि आती एमएलए इन काउंसलर इन एमपी इन मतलब फुल आती आईएसकी सपोर्ट इगेज ना आईकेएमटी सपोर्ट इगेज ना फीन दूँ बिल्कुल मतलब आती फिल अवॉर्ड तो उनसे रिकॉइस जरिए दूँ जबकि दे लीडर्स पुखरन का तो फेल का तो शेड आम आती जनता सारे मतलब आम कारगिल फेल है और दे पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी फिल लास्ट का तो बा फेल चना मतलब दो अंक में जरूरी सोंदे कि मतलब सुस पिंग स्पिंग स्पिन ने का तो दे मी का फोर्स बा सही बात कि खेस पिंग चा के रन दी फेल पिंग स्पिन का चेस दी वजह से पिंग स्पिन खेस दे लास्ट पूछा मा बा इंदे जबकि मिसाल कि दारे इंस्टीट्यूशन चीज जबकि आईएसके जरा के एमटी जर्मी ची सपोर्ट में को एमपी लाने नो कल को एमपी लान को जिस टाइम से को एमपी लान देगा ना तियांग माना आईएसके आईकेएमटी जर्व खत्म में दो जबकि कोई मिसाल स्वीप ले लता से वोट आंस सुअल ता से वोट आंस आजकल कौन दो जर्बी मतलब कौन दो जर्बी हरें ये मतलब मिसाल कम दिया थे बस वोट के लिए कल को दे एमपी एमएलए कोरंग का तो लाज का तो बार फेल का तो चाना आईएसके या आईकेएमटी या जर्ब क्वेश्चन की आवामी पहले खेतान दिया थे बसे अच्छे से नबस मतलब दी दिलासन बहुत जरूर कोई प्रेशर तामा सबसे पहले लीडर का जरूरी है बिल्कुल जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि हमारे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सियासत और मजहब को अलग रखा जाए मगर हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से या उसूल के हिसाब से हमारा मानना यह है कि सियासत से दीन अलग नहीं हो सकता है उसूली प्रॉब्लम और ये रग रग में हमारे लोगों के चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो बसा हुआ है कि सियासत से दीन अलग नहीं हो सकता। इस बात को ये मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस बात को लोगों ने देखते हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोसेस की मतलब आती जबकि इसका मतलब जहाँ तक आता छूते मतलब आती छो सी उसूली का आती सियासत पुस्तुल जरीन सु मतलब तो दे सब ग्याला छो जो मतलब ओदे से अभी का आती सियासत पुटुल समसे ग्याला वासे सियासत पुटुल चिक समसे बट दर अपोजिट पूछे न मतलब ताकि सियासत पू ज़्यादा छोस पियो और जख्स आती सियासत पू खतो लमी से सोच असली असली खोरंग का तो दो जर भी मतलब इन चुकी सियासत न छोस अलग मिसाल गोशीन जर बना इन चुकी मतलब कि छोस पी अंदर ना दुख से सियासत पुटुल बर गोशीन दी का आता अलग अलग दिन दिखो राय अलग अलग है उस दिए का तैयार चीज रहते करें दियनों इस पॉइंट से खचिक पहला ना अवाम और लीडर को लेकर रखना था लेकिन पहला दियनों इस्लाम ना सियासत के बारे में चूँ मैंने दियनों थोड़ा वजाहत चिता ज़रूरी साबित की जैसे इस्लाम ना सियासत का भी अलग नहीं हो सकता लेकिन इमाम अली खुरी कौल कि यह हुकूमत मेरे नज़दीक एक फटे जूते की माने दे अलबत्त सियासत पे नो अगर सियासत पे अगर एतदाल हो उसमें अदिल हो इंसाफ हो और कहीं पर कोई जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म को ख़त्म करके हक को अगर कायम करें तब सियासत जो है बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है एक उसूल को किसी भी सोसाइटी में किसी माशरे में कायम करने के लिए। अब दूसरी बात देखिए अवाम और लीडर को लेकर क्योंकि हर लीडर में भी कहीं ना कहीं कोई क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस क्वालिटी को देखकर लोग भी उन्हें इलेक्शन करें या उसको वोट दें लेकिन ज़रूरी एक चीज़ ये मैं समझता हूँ कि अवाम इस गति एक नज़रिया चीज़ी की दुकान क्योंकि इस्लाम में नंगतन का दुशाना एक कुछ मतिन है जिसको बिल्कुल तब्दील नहीं कर सकते लेकिन चीज़ खचिक तब्दील छह लुशन इसीलिए तो हमारे यहाँ यानी कि फुका का जो है ये उसूल इसीलिए आया है फुकास हमेशा चेंज है चेंज क्या फतवा के रूप में हो बल्कि इसीलिए हम कहते हैं कि इनकलाब जो है हिदा अपॉइंटमेंट की गतिस इनकलाब मीन्स चेंजिंग में चार दो सोलंगती नज़रिया चेंज हर क्वेश्चन गति सामने की दी पार्टी मीन्स ये वाले पार्टी हमारी या एनसी पार्टी अचीन सदियों से हमारी है तो हमारी ही है दूल तामनू कि भाई ये हाँची और खाने कैंडिडेट तो बसा कांग्रेस और खाने कैंडिडेट अच्छा खासा है उसमें क्वालिटीज़ है छा कोई नज़रिया सबसे गवाह में नज़रिया चेंज है कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि इन पार्टियाँ उसका लीडर पला मुझे इस साल भी उसे वोट करना है और अगले साल भी उन्हीं को ही वोट करना है जो शख्सिक चेंज हर वो शेजन क्योंकि हर नज़रिया चेंज है दूसरे दिन और इसी तरह जैसे भी जितने भी तारीख़ में तहरीकें चली हैं तो वो तहरीकें भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं एक कोई महदूद चिगले बना वो तहरीक आपको आप लोगों को मालूम होगी कि बहुत सारी तहरीकें हैं और तहरीक को ख़त्म छाशन क्यों सोल इंसान सोच पाँ ख़त्म छा होशन कि नस दिख ना फिल्ला हो सकता है ये शख्सिक चेंजिंग चिकों एक चीज़ है दूसरी जो है किसी भी लीडर है नुआतल थान और लीडर पेनुक आदिल दो में दुख उसमें कितनी दियानतदारी है चाम चुखन इंसाफ दुख क्योंकि हमेशा देखिए जहाँ चाहे वो खलवत में हो या जलवत में हो उसको ये समझना है कि भाई मुझे आवाम ने चुन के दिया है तो मुझे आवाम के लिए ही काम करना है ऐसा ना हो कि किसी पर जैसे कोई कराबतदारी ना हो कि कहीं ना कहीं हम जैसे
खुई समझा जिनकी गति गंडू चे बसे ताचस एक चीज़ ये ख़त्म होना चाहिए किसी भी लीडर में। और साथ में गति दे लीडर घुरियान चाहे कोई भी चाहे कौंसलर हो या कौंसलर के आगे जो एग्जीक्यूटिव हो खुई सिर्फ खुनती कॉन्स्टिट्यूंसी से मिन माँ पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल के नौचो पोरता रोश है। क्योंकि जैसे एजुकेटेड मी जो हैं जैसे यूथ को जो ही हम उसमें बहस में लाते हैं तो एजुकेटेड ना हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनमें एजुकेटेड लोग ही जाते हैं। बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ही उनको ये सीटें मिलती है लेकिन बाद में वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसमें तजब्जुब का वो शिकार हो जाते हैं, वो लोग फिर से गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। तो उन करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमारे लीडर्स को उन पर भी नज़र रखनी चाहिए कि कहीं पर कोई अपने अपनाइयत तो नहीं आ रहा है, किसी भी सीट को लेकर किसी भी पोस्ट को लेकर अपनी कराबतदार को तो नहीं दे रहे हैं। छना उदी चीज़ ने कहा सबसे गति नज़र मोशन बाकी आ गए होते रहेंगे बहस। अच्छा दू जमाना था गति दिया आप दी गति हिल काउंसिल स्ट्रक्चर ही अगर कहता हूँ अतरा कर दता हूँ ना जो दें गते इलेक्टेड आम बाद या नोमिनेट आम बाद या दें गति मतलब गति कारगिल खुरी है ना एक इंचान आता माइनॉरिटी माइनॉरिटी ऐसे आना नया सब माइनॉरिटीज जो था गति नंगो था या उदी स्ट्रक्चर ही बारे चीज़ रख रहे थे का ओपिनियन चीज़ नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड काउंसिलर्स जबकि आती इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सभी का दी राज्य सभी आती बारह नॉमिनेट बात कोई फिलहाल स्पेशल क्वालिफिकेशन चीज़ दुख दे मतलब या कोई क्राइटेरिया की जक्स दुख कि हम पार्टिकुलर फील्ड चाहें सोशल साइंस इन या स्पोर्ट्स या उदो या कोई एक्सीलेंस बस उम्र मशीन जरे तब जाके जैसे कि आते एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर हो स्पोर्ट्स या ज़्यादा कोई एक्सीलेंस होना खो दे चीज़ पे लोग मतलब अदी वजह से खो नॉमिनेट बस राज्यसभा को ज़्यादा सोच लूँगा अति करियो ले चियो मतलब नॉमिनेशन क्राइटेरिया चियो मतलब कोई जहाँ तक आता हूँ पता चल कि ज़्यादा पार्टी ने एफिलेटेड शो ने कहा दो सीखियो सीखो नॉमिनेशन जरे बट बेशक कोई मतलब दो ओचिन देखिए मतलब क्लॉज शुरू तो कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन या पता चल सोशल सर्विस या स्पोर्ट्स हम कोई ज़्यादा एक्सीलेंसी या आर्ट्स हम ज़्यादा देने दो चौक भी गाती नॉमिनेशन लमाना थो मैं दुख मतलब आम खसी का दुख पता हूँ मैं तो कि नॉमिनेशन मतलब चीन मतलब यहाँ काउंसिलर का तो नॉमिनेट छाता मैं छात्र या नॉमिनेट सो बल्कि नॉमिनेट काउंसिलर उन सुन कोई चीला जो मतलब जब दो दो की इलेक्टेड टूरना नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड काफ़ी फ़र्क बस है मतलब कि जैसे कि इलेक्टेड उन खो ना सभी काउंसिलर इन नॉमिनेट उनको या चोर लन खान जिन खोए लगा चाह पावर में खोए लगा चाह फंड में मतलब ये चीज़ पर काफ़ी जनरल बड़े बड़े ध्यान चोला गति ध्यान न चोला दान दिंग वुमेन रिप्रेजेंटेशन मन लेख से नाता गति मतलब पॉलिटिकल सिनेरियो अलताना या देसो गति सोशल दें दिखाता सोशली गलता काफ़ी मतलब गाता कम रिथो हो पाता एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस चाहे दे मतलब चीज़ रेत करे दे बारे ची बोली कि रिप्रेजेंटेशन का या माइनॉरिटी सिर्फ वुमेन सा मेन में देखो यासीन भाई हमारे लोग जो हैं रिलीजन रिलीजन करते रहते हैं दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी बना ली हैं इतना कुछ हम करते हैं लेकिन माइनॉरिटीज़ को लेकर हमारा भी नज़रिया जो है हम लोग इनजस्टिस करते हैं। आप अभी तक देखते हो कि कोई भी काउंसलर अभी तक वुमेन हमारी बनी नहीं है इलेक्टेड नॉमिनेटेड नहीं है इलेक्टेड नहीं है ना तो आप यही सोचो कि यार इतने साल हो गए हिल काउंसिल बनाए एक औरत हमारी क्या डिज़र्विंग नहीं है क्या उसके पास वो क्वालिटी नहीं है एक कंटेस्ट सोचो कि कंटेस्ट ही नहीं कर पा रही उनको वो उस कंटेस्ट करने का स्पेस नहीं मिल रहा है तो इलेक्शन जीतने का तो बात ही अलग छोड़ो। उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी अभी जैसे इनसी कांग्रेस ने बनाया है कोलिशन की भाई हम बीजेपी को ये करेंगे बिकॉज पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है लेकिन अगर आप खुद देखोगे जांस्कर के जो बुद्धिस्ट हैं जो हमारे खुद माइनॉरिटी में जो लोग हैं बुद्धिस्ट हैं या दूसरे लैंग्वेज के दर्जिस करकुन वाले हैं या लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको कितनी स्पेस दी जाती है पॉलिटिक्स में सोशल लाइफ में वहाँ पर वो चीज़ें भी देखो तो वो उन चीज़ों के बारे में भी बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं जानते कि डिलिब्रेटली हो या जानबूझ के या ये मतलब इन लोगों को स्पेस नहीं दी जा रही है क्या यही हो सकता है कि मतलब कुछ ही पर्टिकुलर लोग हमेशा डोमिनेट करते हैं और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ बिल्कुल सुनी नहीं जाती है। मैं भाई की बात से काफ़ी हद तक मुतफिक हूँ कि भाई ने कहा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ नहीं है मगर इस साल जो अच्छी बात जो हुई है इस साल 2023 के इलेक्शन में शायद गालिबन बड़गाम से एक चुलिस कम्बू करके एक इलाका है और शायद वहाँ से एक
फीमेल रिप्रेजेंटेटिव आई है, मतलब नॉमिनेशन उन्होंने भरा है, एक अच्छी बात हुई है। और दूसरी बात, जब भाई जो भाई ने कहा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रीजनल जो माइनॉरिटीज़ है या फार फ्लंग इलाकों में जो हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी उनमें शामिल है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन हम दें कौंसिल में या एज एडवाइज़र रखा जाए उनको, थोड़ा अलग से उनके लिए कुछ बनाया जाए या उनको रिप्रेजेंट किया जाए एज ए नॉमिनेटेड। सही बात, बहुत अच्छी बात भाई। देना चौदह यंग अति न्यांगा चीची देना यंग दुख देंगे अति हिल कौंसिल, हिल कौंसिल जरा ना गामा जरा दक्षा हर किसी के जबान पे स्वा माना छो इन सुनचे इन छिमी सुनचे गामा माला अने मी फ्रू गाँव में दा दें अगर का तो तना आते कौंसिलर उन खुनता छी चुक दें फंड सामे मचुक कौंसिलर उन मेहनी चम चो मचुक या साल कौंसिलर ही लगा चम चो फंड खुनती कॉन्स्टिट्युएंसी मतलब खुनती देंदी का गो से तंग से या लाज बे चम से यो मचो दे का गाती मीन ला छोर से चारो से दुख ताकि दी पेनिन का तो अगर कतो खो सो न बुली शंग चो से वा दे चिक पेने जा चुक कम अज कम रियाला रा जादो दो खानी मीग ना आते फिंग मरियाल जादो इन द सेंस की दून गाता ठीक बसे रियालिक बसे जगह चंग मृदेमिक बसे या करप्शन माचा या अर्देर खुरीदपुरीत माबा हाजो या दे जोला खाची जगह अच्छे माना दो मान यूटिलाइज खोरा माबाल जो से छे चांस है माना ननिंग सोंग में देंगे आती करी लद्दाख निस्के आना और एक अच्छी बुलिक मोलना है रे बख्शिश या बाकी दी गंगाती यासीन साहब इस दी स्पेला साइजेस की गंगाती बुलिक ट्रांसपेरेंसी और वाइस से अच्छा लगो शिंजरन जो कि कौंसलर लचाम से फंड हो मत या मतलब को साल या खोरी कौंसलर फंड या नचाम साल या एक्सपेंडिचर कुछ हिंदू दोनों का बेशक छार गोशिन बट दो लोग देखें आती जैसे कि कौंसलर हो मतलब कोई पार्टिकुलर टेरिटरी क्यों चंदे की खोज दिया अनुलास बुक और ऊपर से खा और ध्यान टेरिटरी के बाद जो खा ना चीज़ खाची को गाने का तक खा लाज बहन चीन यहाँ चीज़ खाची और गाने का खा लाज बहन चमेन मिसाल की आती कॉन्स्टिट्यूएंसी खाची गांधो हाईवे छे हाईवे जब की आती कौंसलर इलाका मानी ऊंचा मेन जबकि हिल कौंसिल इलाका ऊंचा मेन हाईवे एक चीन सेंटर इलाका खानी चीज छे दूजे इंदु की हाईवे गाची कौंसलर सर्विस बट और चीज सुनियांग मतलब जैसे कि पता हूँ मार क्वेश्चन मतलब कि कौंसलर को ना पता हूँ मार क्वेश्चन आम आवाम शायद दू पता शायद जरूरी दू कि कौंसलर आगा गा चीज सुन कौंसलर लबाएं चीन या गा गा चीज सुन कौंसलर दिमें दू डायरेक्ट सेंटर या स्टेट इज या यूटीज का ता आता चीन मतलब ये चीज यहाँ मतलब फर्क छा जरूरी जिस तरह भाई ने कहा ना हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौंसलर को शायद 1.5 करोड़ सालाना फंड मिलता है उसी तरह बाकी कौंसल का फंड तो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड पर्टिकुलर चाहे वो ईसी हो या कौंसलर ही हो या कुछ भी हो उनको 1.5 करोड़ का फंड मिलता है शायद तो एक होना ये चाहिए कि साल के आखिर में ऑडिटिंग की जानी चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी देखे किस क्या काम हुआ है कहाँ खर्च हुआ है पैसा। और एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं वो है हिल कौंसिल का इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इलेक्शन भी बहुत होता है रिलीजन के नाम पे, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, पार्टीज़ के नाम पे लोग रिश्तेदारी तोड़ने लगते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि यार एक कौंसलर कितना फंड उसको आता है और कितनी उसकी सैलरी है। अगर आप वो सब देखोगे तो परेशान हो जाओगे। लगभग 1.5 करोड़ सालाना फ़ंड होता है एक कौंसलर का और ऊपर से सैलरी अलग से, अलाउंसेस अलग से और खाना पीना सारा कुछ गवर्नमेंट का। तो आप ये समझ सकते हो कि यार इसके लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करते हैं। और कुछ लोगों ने अभी इसको अपना एक पेशा बना लिया है कि भाई हमें सिर्फ कौंसलर ही बनना है और बाकी जिंदगी कुछ करना ही नहीं है क्योंकि उनको पता है यार इसका कितना कुछ फ़ायदा है। हर साल उनको मज़े करने होते हैं और क्या करते हैं कभी ग्राउंड में, तो वो चीज़ें गरीब आदमी को नज़र नहीं आती। आप एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ लेटेस्ट किसी गरीब आदमी की। मैं खुद वहीं पर था, उसकी गाय को भालू ने खा लिया। तो अब मैंने कितना कुछ कोशिश किया कि यार इसको आगे तक बात पहुँचाई जाए लेकिन वहाँ पर कोई नहीं आता है। उस टाइम पर आप देख सकते हो जब इलेक्शन का टाइम होता है तभी लोग भागते हैं लेकिन बेचारे किसी गरीब की कुछ माल मवेशी का नुकसान होता है, उनका कुछ खामियाजाना कंपनसेशन देने की बात आती है तब ये सारे लोग भाग जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि 5 साल में लगभग 7.5 करोड़ का फंड होता है और उसके बाद अलग से आप 1,20,000 तो एक सिंपल से एक कौंसलर की सैलरी है
उसके बाद एग्जीक्यूटिव 1.5 लाख तक चला जाता है, फिर आप देखोगे सीसी अलग से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए कि यार इसके पीछे एक इकॉनमी बहुत बड़ा एक रीज़न है, लोग इसलिए पागल हो जाते हैं यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए, एक दूसरे का गला काटने के लिए। तो वो चीज़ें लोगों को समझना चाहिए कि यार ये हमारे साथ इमोशंस, उनके इमोशंस के साथ, उनके वोट के साथ खिलवाड़ होता है, अल्टीमेटली वहीं लोग ही मज़े करते हैं। रेवेन्यू के मो नखो चलो आते सम्मिक ताना मतलब दे ऑलरेडी रेवेन्यू कम और ऑलरेडी ऊपर से नाती इकोनॉमी देन दाओ मना आता मतलब सोर्स भी खरा में मतलब दे चुक जगह छे अनु मतलब कंसलरी पोस्ट भी जमाते जा से खर्चा बस दुक दुक बिल्कुल बिल्कुल देखा गास बुलिक एड बे जुंग आती आम मी अगर कतो आते परसेप्शन लता ना सो आते वो खो फलाना खो वोट ताचिनो जिनो दे वो चे तांस बिन जमाना खो जिनो हां मना नानी शि रक्षी तांग मरोशत बिन कोचोक बसंगा रक्षितांस बिन रक्षितामा या देचोलांगा फलान चियांग कस्मी गति एग्रीकल्चरी फलान पिसाने कस्मी छोटा मोटा जाली वाली लास मातम सरा चोसबिन या मजिद लफान ओ हां ओ या मातम सरा फंड सासबिन मजिद लफान सासबिन चिक साइन चितांसबिन या यंग जगह चखोद मदद बसबिन गातां दु चोसि बसबिन जरेन दुक बल्कि गाते दुलता रोसिन कि चलो गति निजी जिंदगी खोरंग चिक हम मतलब गाता पर्सनल चाम चिक गाती लास से दुख तो गाता मदद बस दुख तो दुख खोरंग चिक लेकिन गाती एक वोट इस दे गरीब उनिया गाती मतलब डेस्टिनी उजर ना गाती किस्मत तो चेंज बस ना चिन अगर कतो गाते वोट चिक ता से रिग्याला अगर कतो गाते लीडर चिक तो फिंग ना सगा फायदा चिन तंग गाती अगर कतो मनफाद लता से पर्सनल गाती दुन लता से अगर कतो गाते दुनी खिंचेस पाइन या दु निरनेन चिन या खोन गा रक्स चिक जो तांसबिन या खोन गाती माजी चिक चिक पा स्टिक पा को पेने तांस दुन जोशी बसे कतो जरना कि गाती ओवरऑल डेवलपमेंट चिक या ओवरऑल दि चोला सोशल कॉन्शियसनेस या आगे गाता चंग दरे गाते दिक गाती देन दा डुली नोट कि एक विजन चिंगाता आगे खेर बतमा कोशिश माना छाचा में चेज माना छोटा मोटा ची शिका गातांग गातांग सेटिस्फाई बिन जास बाजू दरे इलेक्शन ले बचे दरे यो दे दरे क्या और गोजान डुली नो दा चा तंग नो आर दे दरे गाती दी जगह ना यो थ्री तेल ना फलान पिस्तान गामा डुली नो दा हां जिया दुन गामा यो दे सही बात दुन गामा डुली ओ तो छोटा मोटा जान वन रेगलता से पेने वेने रेगलता से या रंग मन फी दें बसे मस्ता गाते ओवरऑल ते कोशिश बचा खसूस जवान उल्लाती मेन दें दिया ये ना उम्मीदी क्यों हो चुकी है पता है लोगों को पता है कि यार अब हमारा काम तो कोई पार्टी करने वाली नहीं है
चाहे कोई भी पावर में आए, तो भाई अपना मन भी ये देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं। तो लोग भी होपलेस हो चुके हैं। आप सोचो इसके इतनी घटिया पॉलिटिक्स और इतना हाँ सेल्फ इंटरेस्ट रखते नहीं, उनको पता है ना कोई, चाहे वो एनसीओ कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई करने वाला तो है नहीं भाई। जो बंदा अभी पैसे दे रहा है या खाना दे रहा है, यार खाओ यार, गरीब आदमी को तो और क्या चाहिए, वही सोच रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ अगर सच में कोई ऐसा आदमी आए जो काम करे तब लोग ये चीज़ें खत्म, सोच खत्म करेंगे। लीडर ही सब ब्लेम था, कहीं ना कहीं आम जो पब्लिक कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जवान उनला संबत अमर उशिन या जवान उनला बावर अमर उशिन हर चीज़ से, मगर ना खदशात की ना जवान निकल मिचिमत।